हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन योर एजुकेशन। सो वेलकम बैक टू अनदर फॉर्म फिलिंग की अपडेट वाले वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं IMI कॉलेज के बारे में, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या तुम्हें इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी मायनों में ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी डिसेंट लेवल पर तुम्हें पैकेजेस देंगे। और क्या इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर होने वाली है, कितने सीटें हैं, क्या प्रोग्राम्स ये अवेलेबल है, क्या प्रोग्राम्स ये तुम्हें ऑफर करते हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है, सो दैट उसके पहले पहले तुम इसका फॉर्म फिलअप कर लो। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि उनके फॉर्म्स की डेट क्या है अगर वो IMI में एडमिशन लेना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर वी मूव ऑन देयर इज एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू पुट फॉरवर्ड दैट ऑल दी स्पेसिफिक वीडियोज रिलेटेड टू MBA तुम्हें सबसे पहले मैन्यूअर MBA एंट्रेंस पर देखने को मिलेंगे। तो अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर MBA एंट्रेंस चैनल पर देख रहे हो, फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम ये वीडियो मैन्यूअर एजुकेशन पर देख रहे हो, देन द लिंक फॉर मैन्यूअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर प्रिपेरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर और द सब्सिक्वेंट ईयर्स, वी हैव लॉन्च द बैचेस फॉर द सेम फॉर द लाइव क्लास एंड ऑनलाइन सेशन। यू कैन कॉन्टैक्ट आर नंबर 8828581455 या फिर 54। इफ़ यू आर इन मुंबई लुकिंग फॉर क्लासरूम कोचिंग, यू कैन विजिट आर सेंटर्स वसई, दादर, बोरिवली, थाने, अंधेरी, वी हैव 5 सेंटर्स इन मुंबई, और हमारा पुणे सेंटर काफ़ी जल्द आ रहा है। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन या GK रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना कर दो, इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। रिगार्डलेस ऑफ द बैचेस यू हैव जॉइन, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर्स, फुल लेंथ सेक्शन मॉक टेस्ट बुक्स, एनी बुक्स, मेंटरशिप स्ट्रैटेजीज एंड अ लॉट मोर थिंग्स। सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, जस्ट हेड टू आवर नंबर्स एंड बुक योर सीट्स राइट अवे। International Management Institute IMI is India's first corporate sponsored business school, founded in 1981 in New Delhi. तो जो इनका New Delhi वाला campus है, ये इनका main campus है और काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1981 में ये establish हुआ था, तो 50 years की इसकी legacy है। The corporate sponsors include RPG Enterprise, ITC, Nestle, Tata Chemicals, British Oxygen, सेल एंड विलियमसन मैगर। इट वॉज सेटअप इन द कोलेबरेशन विद द IMI जिनीवा एंड नाउ IMD लॉसेन। ओवर द ईयर्स IMI हैज़ कंटिन्यूड टू एक्सपांड इट्स फुटप्रिंट टू हेल्प एस्पायरिंग मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन फॉर अ स्टेलर करियर इन मैनेजमेंट प्रैक्टिस, कंसल्टिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप। IMI कोलकाता वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 एंड IMI भुवनेश्वर इन 2011। IMI has a global linkage with leading schools in Europe, North America and Asia. तो तुम यहाँ से इनके collaboration देख सकते हो, तुम्हारा future यहाँ से काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी बढ़िया scope तुम्हें देखने को मिलेगा। और इनके लिंकअप्स की बात करें तो इनके काफ़ी international लिंकअप्स एंड टाइप्स हैं, तो अब तुम सोच सकते हो कि तुम्हें यहाँ से तुम्हारा future कितना अच्छा मिलने वाला है। ये ऑलरेडी तुम इसी स्लाइड से प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें IMI में एडमिशन मिल गया कोई भी कैंपस में इनके, तो वहाँ से लाइफ तुम्हारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। अगर हम इनके कैंपसेस की बात करें तो इनके 3 कैंपस हैं, एक तुम्हें मिलेगा न्यू दिल्ली में, एक कोलकाता में और एक भुवनेश्वर में। तो जो इनका न्यू दिल्ली वाला कैंपस है वो इनका है मेन कैंपस। तीनों ही कैंपस काफ़ी टॉप नॉच है, काफ़ी बढ़िया यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा, फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। और फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगी इन तीनों कैंपस की, ये हम इस वीडियो में आगे कवर करेंगे, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। अब प्रोग्राम्स की अगर बात करें तो तुम्हें IMI दिल्ली में 3 प्रोग्राम्स मिलते हैं, PGDM जिसके अंदर तुम्हें मिलती है 300 सीट्स, दूसरा जो है वो है PGDM इन HRM उसके अंदर 60 सीट्स अगर तुम HR में ज़्यादा इंक्लाइंड हो, 60 सीट्स वहाँ पर है। PGDM इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर 60 सीट्स। और IMI कोलकाता एंड भुवनेश्वर की अगर बात करें तो तुम्हें सिर्फ एक एक प्रोग्राम देखने को मिलता है, वो है PGDM जिसके अंदर तुम्हें 180 सीट्स दोनों ही कैंपस में देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, अब बैचलर्स और इक्विवेलेंट डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स और इक्विवेलेंट कोई भी डिसिप्लिन में। द बैचलर्स और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट मस्ट एंटेल अ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, पोस्ट हायर सेकेंडरी स्कूलिंग अंडर द 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट। अगर तो तुम अपनी फाइनल ईयर ऑफ डिग्री में हो तो भी तुम एलिजिबल हो। और अगर सिर्फ और सिर्फ IMI दिल्ली में जाना चाहते हो
तो तुम्हें कैट, जैट या जी मैट का एग्ज़ाम लिख कर इस कॉलेज में एंट्री मिलेगी। तो तुम तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम लिख सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ IIM दिल्ली कैंपस में जाना है तो। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो जो इनकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 2200 प्लस GST 18% की। फॉर एन एप्लीकेंट डिज़ायरस ऑफ अप्लाइंग टू एनी वन ऑफ द 2 ईयर प्रोग्राम्स एट IIM दिल्ली, और ना ही सिर्फ IIM दिल्ली, अगर तुम साथ ही साथ IIM कोलकाता एंड IIM भुवनेश्वर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ 2200 प्लस GST वाली फ़ीस ही भरनी होगी। अलग से तुम्हें कोई और एप्लीकेशन फ़ीस नहीं भरनी इन दोनों कैंपस के लिए। तो अगर तुम सिर्फ IIM दिल्ली के लिए जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, अगर तुम तीनों ही कैंपस के लिए जाना चाहते हो तुम्हें एक ही एप्लीकेशन फ़ी भरनी पड़ेगी और तुम तीनों कैंपस को चूज़ कर सकते हो। इन एडिशन, इफ द एप्लीकेंट डिजायर्स टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द अदर प्रोग्राम एट IIM दिल्ली, देन द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे 500 पर प्रोग्राम। तो जैसे दिल्ली में तीन प्रोग्राम तुम्हें मिल रहे थे तो इसमें से तुम्हें PGDM, HR या फिर BNFS में जाना है तो तुम्हें हर एक प्रोग्राम के लिए सेपरेटली 500 भरने होंगे। काफ़ी सिंपल सी बात है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है तुम्हारे लिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर तुम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। दो राउंड में इनके एडमिशन प्रोसेस होने वाले हैं। राउंड वन की अगर बात करें तो एप्लीकेशन चालू हो चुके हैं सितंबर मंथ में, और जो लास्ट डेट ऑफ अप्लाई तुम कर सकते हो वो है 15th of December। नवंबर के महीने में ये वीडियो बन रही है, दिसंबर तक का तुम्हारे पास टाइम है। 15th of December जाके तब तक इसकी फॉर्म भर लो, या तो तुम एक और एक काम कर सकते हो कि कैट के एग्ज़ाम के बाद तुम इसका फॉर्म भर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ IIM दिल्ली के लिए जाना चाहते हो। इंटरव्यूज़ होंगे तुम्हारे जनवरी मंथ में, एडमिशन डिसीजन जो लिया जाएगा वो है मार्च के मंथ में, प्रोग्राम जो तुम्हारा स्टार्ट होगा वो हो जुलाई के मंथ में। और अगर तुम राउंड टू में जाना चाहते हो तो तुम्हारे एप्लीकेशन चालू होंगे दिसंबर में, लास्ट डेट होगी जनवरी में, इंटरव्यूज़ होंगे फरवरी में, एडमिशन जो फाइनल लिस्ट निकलेगी वो मार्च में, और जो तुम्हारे प्रोग्राम स्टार्ट होंगे वो July 24th में। तो यहाँ से ये दोनों ही राउंड एक सिमिलर पैटर्न फॉलो करने वाले हैं डेट्स को लेकर। तो तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम्हें राउंड वन में अप्लाई करना है दिसंबर तक का तुम्हारे पास टाइम है, राउंड टू में अप्लाई करना है जनवरी तक का तुम्हारे पास टाइम है। अब एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो इनके तीन सिंपल प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें कैट, जैट और जी मैट का एग्ज़ाम देना है, उसी के स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। 50% होने चाहिए तुम्हारे ग्रेजुएशन में, उसके बाद होगा तुम्हारा पर्सनल असेसमेंट, उसके अंदर होंगे तुम्हारे पर्सनल इंटरव्यू और ऐसे राइटिंग। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ओवरऑल प्रोफाइल को भी चेक किया जाएगा सो दैट उनको आसानी हो जाए शॉर्टलिस्ट करने के लिए पर्सनल असेसमेंट में। तो तुम्हें एकेडमिक में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, अगर तुम फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो अभी से अपने प्रोफाइल पर काम करना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी बात थी IIM दिल्ली की। अगर तुम्हें IIM कोलकाता ही जाना है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरह है कि तुम्हें वैलिड स्कोर चाहिए होगा कैट, जैट, सी मैट और जी मैट। तो इसके अंदर एक और एक एग्ज़ाम ऐड हो जाता है जो कि तुम्हारा सी मैट का एग्ज़ाम है। तो अगर तुम राउंड टू में भी इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त तक तुम्हारा सी मैट का जो है वो एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तुम सी मैट के थ्रू IIM कोलकाता को टारगेट कर सकते हो। इसके अंदर अगेन तुम्हारा पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस, जैसे कि तुम्हारा 10th, 12th और ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पर स्पीकिंग, ऐसे राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें तुम्हारी सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट है। ये सारी चीज़ों में तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, ये सब कुछ मैटर करता है। और जो IIM भुवनेश्वर की एडमिशन कमेटी है वो सारी राइट्स अपने पास रखती है कि उनको कैसा डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन योर स्कोर, योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पर स्पीकिंग, ऐसे राइटिंग और पर्सनल इंटरव्यू, तुम कैसा परफॉर्म करते हो, ये सारी अथॉरिटी IIM भुवनेश्वर की एडमिशन कमेटी के पास है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो अगर तुम कोलकाता के PGDM प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ कोलकाता के ही, बाकी दो कैंपस के लिए नहीं, तो तुम्हें अलग से 2000+18% GST का फॉर्म भरना होगा। अगर तो तुमने पहले ही IIM दिल्ली के लिए फॉर्म भर दिया है तो तुम्हें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो और सिर्फ कोलकाता को ही टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें 2000 का फॉर्म भरना होगा प्लस 18% की GST। अब अगर IIM भुवनेश्वर की बात करें
तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी लगभग IIM कोलकाता के जैसा ही है। इसके अंदर अगेन कैट, जैट और सी मैट का स्कोर तुम दे सकते हो अलॉन्ग विद जी मैट। तो तुम्हारे पास अगेन सी मैट का ये स्कोर एड ऑन हो जाता है कि तुम सी मैट के साथ IIM कोलकाता एंड IIM भुवनेश्वर टारगेट कर सकते हो। सी मैट का स्कोर तुम IIM दिल्ली में नहीं चला सकते। पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस अगेन यहाँ पर चेक करी जाएगी, जैसे कि तुम्हारा 10th, 12th और ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस। उसके बाद परफॉर्मेंस चेक की जाएगी तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन, एक्सटेम्पो स्पीकिंग, एसे राइटिंग, पर्सनल इंटरव्यू का। तो लगभग दोनों ही कैंपसेस का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ये भी काफ़ी सेम है। अगर तुम भुवनेश्वर में ही सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना चाहते हो PGDM प्रोग्राम के लिए, तो तुम्हें अलग से उसकी 2000 का फॉर्म भरना होगा और 18% उसकी GST एड ऑन हो जाएगी। बट अगेन अगर तुमने IIM दिल्ली का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है तो तुम्हें अलग से कोई फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो तुम्हारी एप्लीकेशन फॉर्म होगी 2200 की। अब ये होगा अक्रॉस ऑल द 3 कैंपस। अगर तुमने एक ही फॉर्म भरा है IIM दिल्ली के लिए, उसमें तीनों ही कैंपस सिलेक्ट कर दिए, तो तुम्हें एक ही बार ये वन टाइम फ़ीस भरनी है 2200 की। बट अगर तुम सेपरेट कैंपस के लिए जाना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ और सिर्फ IIM कोलकाता के लिए, तो इसकी 2000 फीस प्लस GST। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ IIM भुवनेश्वर के लिए जाना चाहते हो तो अगेन इसकी 2000 प्लस GST तुम्हारी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। अगर IIM दिल्ली के प्रोग्राम फ़ी की बात करें तो ये जाता है 20,19,000 फॉर योर 2 ईयर्स ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि ये इनका मेन कैंपस है तो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर तो तुम्हें थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। IIM कोलकाता में अगर तुम जाना चाहते हो तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर रिलेटिवली कम है, 2 ईयर्स के लिए 13,20,000। अगेन क्योंकि ये ऑफ कैंपस है इनका, या सब कैंपस बोल सकते हो। और IIM भुवनेश्वर के लिए अगेन 13,02,000 फॉर योर 2 ईयर्स। तो ये दो कैंपस के लिए तुम्हें काफ़ी नॉमिनल फ़ी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इतना तो हर एक बी स्कूल चार्ज करता ही है तुमसे। IIM दिल्ली समझ सकते हैं कि थोड़ा मेन कैंपस है उनका, इसलिए आपकी फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर। बट प्लेसमेंट्स के मामले में बिल्कुल तुम्हें निराश नहीं करने वाला, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट्स जो है, अगर 21-23 के बैच की बात करें तो 100% इनका बैच जो है वो प्लेस्ड हुआ था, जिसके अंदर 3 इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स आई थी। हाईएस्ट पैकेज जो रिकॉर्ड हुआ है वो है 50 लाख पर एनम का, एवरेज 17.1 और मीडियन 16.33 लाख पर एनम का। तो तुम इस पैकेज से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब तुम यहाँ से पास आउट होकर निकलोगे तो तुम्हें कितने लेवल पर यहाँ पर प्लेसमेंट्स मिलने वाली है। डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही मिलने वाली है अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा अपने इंटरव्यू राउंड्स में। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो IIM टारगेट करना चाहते थे, उन्हें पता चल जाए कि उसकी लास्ट डेट क्या है, उसके पहले पहले वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज रिगार्डिंग द वीडियो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू। वंस अगेन, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर MBA एंट्रेंस, काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर तुम ये वीडियो मैन्युअर एजुकेशन पर देख रहे हो तो द लिंक फॉर मैन्युअर MBA एंट्रेंस इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।